हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम BPSC टीचर्स का। रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों, BPSC टीचर्स का जो है रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चलेगा BPSC टीचर्स 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ में दोस्तों घंटी का निशान दबा दिया करो, जिसे बोलते हैं बेल आइकन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। और दोस्तों, जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फिर, आपको बताते हैं BPSC टीचर्स का रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे निकाल पाए। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूँगा, सरकारी रिजल्ट .com पे। जब आ जाओगे यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसके नीचे लिख रहा है बिहार स्कूल टीचर JTRE रिजल्ट 2023। तो इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद जो ये रिजल्ट आपका जारी हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, बिहार BPSC स्कूल टीचर प्राइमरी TGT एंड PGT रिकमेंड 2023 TRE एग्जाम रिजल्ट फॉर 17,461 पोस्ट आपकी निकाली गई थी। तो रिजल्ट जो जारी हुआ है ना आपका, वो रिजल्ट हुआ है दोस्तों आपको जारी, यहाँ पे देख सकते हैं 17 तारीख में रिजल्ट जारी हो चुका है, देख सकते हैं आप, 17/10/2023 में जारी हो चुका है। अब कैसे चेक करना है, नीचे आना है आपको, वो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड रिजल्ट क्लास 11वीं एंड 12वीं, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, अदर। तो जो सा भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जितने भी यहाँ पर नाम आएंगे आपके, देख सकते हैं ये जो नाम आ रहे हैं ना आपके, ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन है। जैसे कि मान लें यहाँ पे देख सकते हैं, दिनांक 25/8/2023 एवं 26/8/2023 को आयोजित विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित कुल 525 उम्मीदवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित करता है। तो जिन्होंने मतलब सफल घोषित हुए हैं, ये उनके नाम है, देख सकते हैं रोल नंबर यहाँ पे साइड में दे रखा है, यहाँ पे नाम दे रखा है, और यहाँ पे ये। तो आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कैसे देखना है अपना रोल नंबर वगैरह अगर है तो आपका। जैसे मान लें 135 बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से, इसे फिर से डाउनलोड करता हूँ। बहुत सरल सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे, और कंट्रोल लैप करना है। अगर आप फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से चेक करें, अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा आपको, 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर से बता रहा हूँ आपको कैसे चेक करना है। कंट्रोल लैप करना है, उसके बाद आपको रोल नंबर टाइप करना है। रोल नंबर टाइप करने बाद वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक आ जाएगा। अगर आपका इसमें PDF में नाम रहेगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाएगा, देख सकते हैं मैंने 135वां उठाया था, कॉपी करा था, तो देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है इस तरह से। यहाँ पे आपका नाम दिखा दिया जाएगा, यहाँ पे मेल है फीमेल है वो दिखा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप चेक कर लीजिए। मान लिया मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं तो मैं बिल्कुल लास्ट वाला ये 507 वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैंने कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे, और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, यहाँ पे एंटर करूँगा, देख सकते हैं 507 पे मेरा ये है यहाँ पे रोक दिया गया है सबसे, देख सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ पे मेरा हाईलाइट हो चुका है, और यहाँ पे नाम भी आ चुका है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप चेक कर लीजिए। अगर आपका उर्दू का है तो आप उर्दू पर क्लिक कीजिए, अगर आपका संस्कृत है संस्कृत पे, बंगाली है बंगाली पे, अदर पे आप क्लिक कीजिए अगर आपका अदर है, तो
तो आधार पर करने बाद देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलेगा आपको, देख सकते हैं डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट अलाउटमेंट लिस्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये डिस्ट्रिक्ट अलाउटमेंट लिस्ट है दोस्तों, अभी डाउनलोड होने वाली है ये। दोस्तों हिंदी में जो है 525 यहाँ पे जो है सेलेक्ट हुए हैं, इसमें ज़्यादातर जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, देख सकते हैं फीमेल फीमेल फीमेल, मेल बहुत कम है, फीमेल का ज़्यादा नंबर आया है यहाँ पे, देख सकते हैं मे फीमेल फीमेल फीमेल। ज़्यादातर जो 525 यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं और 300 प्लस आपकी जो है फीमेल है, इसमें देख सकते हैं आप फीमेल का ज़्यादा है सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में आपके 525 यहाँ पे बच्चों लिए गए हैं जो मतलब कि सफल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सफल सफल घोषित रिजल्ट है, मतलब सफल घोषित यहाँ पे जो है ये लिस्ट है। आप इस वाली वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, अलग अलग देख सकते हैं, मराठी बंगाली संस्कृत तो इंग्लिश उर्दू हिंदी, इस वाली वेबसाइट पे भी आप डायरेक्ट यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है लिस्ट, जो डिस्ट्रिक्ट ये वाली लिस्ट है, ये वाली डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट अलाउटमेंट लिस्ट ये डाउनलोड हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं, साइड थोड़ी बिजी चल रही है इस बारे जो है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपको उर्दू का देखना है दोस्तों, तो आपको उर्दू सा सिंपल सा है, यहाँ पर उर्दू पर क्लिक कर देंगे आप। तो दोस्तों देख सकते हैं उर्दू वाला भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, मैंने डाउनलोड कर दिया है। इसमें जो आपके 145 बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, 25 से 26 के बीच हुआ था, 145 यहाँ पर बच्चे घोषित हुए हैं, जो आपके यहाँ पर नाम आ रहा है सबका देख सकते हैं आप। ये मुस्लिम कैंडिडेट है सारे, जिन्होंने उर्दू से यहाँ पर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर देख लेना दोस्तों, जो भी मुस्लिम कैंडिडेट है उनके लिए लिस्ट है जो है उर्दू वाली, 145 बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बचते हैं यहाँ पे बंगाली भी है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का भी डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा ये। तो दोस्तों जो भी जिसका भी आपका सब्जेक्ट है, वो आप अलग अलग अपना जो है चेक कर सकते हो, देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लेट होएगा डाउनलोड, पर वेट करना है आपको, और वेट करने के बाद जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, उस तरह से आपको यहाँ पे लिस्ट में आपका नाम देखना है। जैसे कि मैं उर्दू वाले में आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लिया सिंपल सा मैंने ये 110 वाला उठाया और कंट्रोल एप करता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ, तो देख सकते हैं एंटर मारूंगा तो वहाँ पर ही आपका रोक देगा ये। आपको सिंपल सा इस तरह से बहुत ही जल्दी से आप चेक कर सकते हैं आपका नाम आया नहीं आया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा आपका, बहुत आसान है चेक करना दोस्तों। अगर आप पे चेक नहीं हो रहा तो आप मुझे मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं, उसके लिए आपको रोल नंबर भेजना पड़ेगा। वीडियो के नीचे जाना है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे अपना रोल नंबर वगैरह सेंड करोगे, मैं आपको जो है देख के बता दूंगा आपका नंबर आया नहीं आया, इसमें सफल हुए नहीं हुए आप। ठीक है दोस्तों, आप मेरे से भी कर लेना, बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ समझ में ना आए आपके तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपके जो है क्वेश्चन का आंसर तुरंत देने की कोशिश करूँगा, वैसे भी मैं देता हूँ आपका आंसर, बट अगर कोई भी जवाब हो आपका मैं आपसे पूछ लेना। ये दोस्तों लिस्ट, ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट खुल चुकी है, तो यहाँ पे लिख रहा है दिनांक 17/10/2000 को पढ़कर परीक्षा के द्वारा उच्च माध्यमिक 11 बार के मतलब के ऑनलाइन भरी गई, ओ ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन की भरी गई अधिमंत्रता के आधार पर रूप से अभी जिला में निमित है, जो आपने ऑनलाइन भरते टाइम जो डिस्ट्रिक्ट भरी थी वही ये दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सबकी अलग अलग है, हिंदी मैथाली सबकी अलग अलग यहाँ पे दे रखी है, तो आप यहाँ पे जब आओगे ना इस साइड पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे डाउनलोड करने को मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये है, इसकी यहाँ है और इसकी यहाँ है, इसकी यहाँ है संस्कृत की, इसी के नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसे जो है जैसे हिंदी है तो हिंदी वाले आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे इसे,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप बीपीएससी टीचर्स का 2023 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बड़ी आसान है दोस्तों चेक करना, और आपको मैंने बता दिया है सारा जानकारी। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो का पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।